डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। मुझे बच्चों से एक कमेंट मिला है कि सर आप जो है हम लोगों को मैथ का चैप्टर 3 का सॉल्यूशन दीजिए। तो उसी के अनुसार चैप्टर 3 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और हालांकि इसमें ऐड है, जोड़ काफ़ी ईजी होता है, फिर भी कुछ बच्चों को परेशानी होती है, इसीलिए मुझे ये कमेंट आया। और इसमें ऐड में हालांकि वैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन इसमें समस्या बच्चों को ये आता है कि उसको वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उन लोगों को समझने में दिक्कत होता है। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 7, यहाँ पे 8 दिया हुआ है और हम लोग इसको 8 को बनाना शुरू करते हैं। तो 8 जो होता है वो राइट साइड से बनाया जाता है, तो हम लोग इसको 8 करना शुरू करते हैं। 4 3 7 हो गया, और 6 1 7, 5 3 8 4 5 3 8, और ये 3 2 1 3 हो गया। और इसको यहाँ से 7 और 1 8 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 का 5, ये कैरी लेना है, 5 हो गया, यहाँ पे 1 हाथ में कैरी रह गया, और 4 3 7 और 1 8 हो गया, 8 अब कैरी नहीं बचा है, 5 और 8 5 13 13 का 3 हो गया, और 1 बच गया, अब यहाँ पे हो गया 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे हो गया 9, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये 9 और 1 10 हो गया, 0 लिखेंगे उसका, 10 का हाथ में 1 बच गया है, और 7 3 फिर 10 हो गया, और 1 हाथ वाला वो जो 11 हो गया, तो 11 1 हो गया, अभी भी हाथ में बचा हुआ है, और फिर 10 हो गया, तो फिर वो 1 मिला के 11 हो गया, अभी भी हाथ में बचा हुआ है, और यहाँ 5 6 11 और 1 12 हो गया, 12 के 2 दे दिए, और फिर 1 बचा हुआ है, 4 4 8, और हाथ वाला 1 9 हो गया, और 7 2 9, ये हो गया कम्प्लीट। अब 4 नंबर में 9 2 11 हो गया, 3 3 6, और हाथ में 1 6 7 हो गया, अब हाथ में कुछ भी नहीं है, अब 5 8 13 हो गया, 13 और हाथ में नहीं है, तो 13 के 3 हो जाएगा, 1 बचा हुआ है, 8 और 1 9 हो गया, 7 4 11 11 1 हो गया, अब 1 बचा हुआ है, यहाँ 7 हो गया, 7 और 1 8, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 5 नंबर में आते हैं, 8 2 10 हो गया, 0 1 बचा हुआ है, 8 7 15 और 1 16, 1 बचा हुआ है, 7 और हाथ वाला 1, तो 8 6 4 10 0 1 बचा हुआ है, 5 3 8 और 1 9, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 5 6 11 1, अब 1 बचा हुआ है, 6 1 7 और 1 8, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 6 में 9 3 12 2 1 बचा हुआ है, 9 2 11 और 1 12, फिर 2 और 1 बचा हुआ है, 9 3 12 हो गया, और 1 13, फिर 1 बचा हुआ है, 7 3 फिर 13 हो गया, और 1 14, अभी भी 1 बचा हुआ है, 5 और हाथ वाला 1 6 हो जाएगा, 6 और हाथ में नहीं है, 8 और 9 17, 7 हो गया, और 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 7 और 1 8, ये हो गया कंप्लीट। अब 7 क्वेश्चन नंबर 7 और 8, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इसमें 3 लेयर में दिया हुआ है, तो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 2 12, अभी 1 बचा हुआ है, 8 2 10 हो गया, और 1 10 1 11, अभी भी 1 बचा हुआ है, तो इसमें 7 और 3 10 हो गया, और 4 14 हो गया, और 1 14 15 हो गया, अब जो है फिर 1 बचा हुआ है, तो 1 9 और 1 10 हो गया, 12 हो गया, और 1 12 13 3, अभी 1 बचा हुआ है, 5 3 8 और 1 9, अब नहीं बचा हुआ, हाथ में नहीं है, तो यहाँ 8 3 और 3, ये 6 हो गया, और 8 8 6 14 14 के 4 हो गया, और 1 अब बचा हुआ है, 5 और 1 6 और 2 8, और हाथ वाला 1 9, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम लोग करेंगे 8 नंबर का, 7 3 10 और 6 16, तो 1 1 बच गया हाथ में, और 9 1 10 हो गया, और 1 11 1 बच गया है, 7 2 9 और 4 13 13 और 1 14, अभी भी 1 बचा हुआ है, और 5 5 और 9 14 हो गया, 14 और 1 बचा हुआ है, 15 अभी भी 1 है, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 4 12 और 1 13, 1 बच गया, 10 हो गया, और 3 13 और 1 14, अभी भी बचा हुआ है, तो 8 9 हो गया, और हाथ वाला 10, ये हो गया 10, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ तक 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे 9 10 और 11 में,
तो इसके लिए हम लोग इसको आगे करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग इसको नीचे में इस तरह से हम लोग लिख लेंगे ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। 9 नंबर का ये हो गया 9 70, और इसको करते हैं प्लस, तो यहाँ पे 8 5 13 हो गया। तो ये 13 के 3, अभी 1 बचा हुआ है हाथ में, तो 9 9 18, 18 और 1 19, फिर 1 बचा हुआ है तो 8 और 1 9 हो गया हाथ वाला मिला के, 7 3 10, 0 और 1 बच गया हाथ में, तो ये 8 और 1 हाथ वाला 9 हो गया, 7 8, तो 7 8 15 हो गया। तो 15 के 15 लिख देंगे, अंत में जितना आता है उतना सारा लिख दिया जाता है। ये हो गया कंप्लीट 9 का। अब 10 का हम लोग इसको भी इसी तरह से बना लेंगे, तो ये 10 नंबर हो गया, 20 80, इसको हम लोग करेंगे 8, ये जोड़ का चिन्ह, और इसको 5 6 11, 1 हो गया, 1 बचा हुआ है हाथ में तो 6 और हाथ वाला 1 7, 7 7 14, 4 हो गया, 1 बचा हुआ है तो 7 और हाथ वाला 1 लेके हो गया 8, और 8 8 16, अब 1 बचा हुआ है तो 8 और हाथ वाला लेके हो गया 9, और 2 3 5, ये हो गया 10 नंबर का कंप्लीट। अब हम लोग 11 को कंप्लीट करेंगे, ये 11, ये हो गया 38, ये हो गया, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 4 10 हो गया, और 3 13 3, 1 बच गया हाथ में तो यहाँ पे 2 हो रहा है और 1 3, और यहाँ पे 6 4 10 हो गया और 7 17, 1 बच गया, और यहाँ पे 9 और 7 16, 16 और 6 16 और 4, 20 और 2, 22, और यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 23, 2 बचा हुआ है यहाँ पे, अब हाथ में 15 हो गया, और 5 15 5, 20, और 2 बचा हुआ है हाथ में, 22, फिर 2, अब 2 बचा हुआ है, 16 और 4, 20 हो गया, और फिर 2 22, तो फिर 2 बचा हुआ है हाथ में यहाँ पे, 7 3 10 हो गया, और 5 15 15 और 2 17, ये हो गया कंप्लीट 11। और हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 12, जो एक्सरसाइज 7 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बतला रहा है पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम एंड राइट द नंबर नेम फॉर द सम, इसमें इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग को वर्ड में लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसको पहले ऐड कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में है, और यहाँ पे 5 डिजिट में है, और यहाँ पे 7 डिजिट में है, तो ये सबसे बड़ा है, इसीलिए सबसे पहले हम इसको ऊपर में लिख दिए हैं। फिर ये है तो इसको यहाँ पे, और ये 999 यहाँ पे, और 85, क्योंकि हमको जोड़ने में आसानी होगी, सजाने में बेहतर होगा, जिससे कि गलती नहीं होगा। तो हम लोग इसको जोड़ना शुरू करते हैं, और 6 और 1 7 हो गया, 7 और यहाँ पे हो गया 9, तो 16 हो गया, 16 और 5 16, 21 हो गया, 21, तो 1 2 बच गया, हम लोग इसको इधर लिख सकते हैं, 2 लिख लेते हैं, हाथ में बच गया है, और 8 8 16 और 8 24 1 25 और 5 30 30 और 2 32 32 के 2, हाथ में 3 बच गया है, और 4 3 7 हो गया, और 9 16 16 17 18 19 9, अब 1 बचा हुआ है, और 4 3 7 7 और 1 हाथ वाला 8 हो गया, और यहाँ पे 5 2 7 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। अब इसको हम लोग को वर्ड में लिख लेना है, तो हम लोग 1s 10s 100s 1000 10000 लाख 10 लाख, मतलब 90,78,921 इसको वर्ड में लिख लेते हैं, 90,78,78,921, ये हो गया कंप्लीट। आइए हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 8, और ये है एक्सरसाइज 8, और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बतला रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड कन्याकुमारी इन द ईयर 2016 एंड 2017 वाज इतना, 25 100
वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टू लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी वन एंड फोर लाख एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इतना जो है 2016 में इतना व्यक्ति और 2017 में इतना व्यक्ति कन्याकुमारी घूमने के लिए गए हुए थे। हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड कन्याकुमारी इन दिस टू ईयर्स, कि इन दो साल में मिलाकर कितने व्यक्ति कन्याकुमारी घूमने के लिए गए, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसको भी और इसको भी जोड़ देना है, इन दोनों को नहीं जोड़ना है। एक्चुअली कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम लोग इसको और इसको जोड़ देना है। तो आइए इसको जोड़ देते हैं, टू फाइव, तो इसको करते हैं प्लस, ये प्लस करना है नाइन वन, टेन हो गया, जीरो वन बच गया, सिक्स टू एट और वन हाथ वाला, ये हो गया नाइन, और सेवन एट फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन वन बच गया, एट थ्री, एट टू टेन और वन एलेवन हो गया, और हाथ में बचा हुआ है वन, तो एलेवन और वन ट्वेल्व, ये हो गया, फिर वन बचा हुआ है फाइव और वन हाथ वाला सिक्स, सिक्स हो गया और फोर टू सिक्स। तो दो साल मिला के इतने व्यक्ति कन्याकुमारी घूमने के लिए गए, तो इतना पर्संस, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग टू नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हम लोगों को देखना है यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ना है और समझना है। द फैक्ट्री प्रोड्यूस इतना पिंक बल्ब्स एंड इतना ग्रीन बल्ब्स, कहने का मतलब है कि एक फैक्ट्री है जो पिंक कलर का बल्ब इतना बनाता है, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख फाइव लाख फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी फाइव इतना पिंक बल्ब्स बनाता है और इतना ग्रीन बल्ब्स बनाता है, तो हाउ मेनी बल्ब्स डिड इट प्रोड्यूस ऑल टुगेदर, तो वह इन दोनों को मिला के कितना बल्ब्स बनाता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हमको जोड़ देना है। तो आइए हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो इसको ठीक से लिखना है, अब इसको हमको जोड़ देना है, प्लस फाइव सेवन ट्वेल्व टू वन बच गया हाथ में, और ये हो गया एट नाइन सेवनटीन और वन एट्टीन वन बच गया, फिर सेवन टू नाइन और वन टेन जीरो वन बच गया, और सिक्स नाइन फिफ्टीन और वन सिक्सटीन और वन बच गया, फाइव टू सेवन और वन एट फाइव फोर फाइव नाइन, तो नाइन इतना बल्ब्स दोनों मिलाकर होगा पिंक और ग्रीन, तो इतना बल्ब्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर चलते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या बतला रहा है। देर आर इतना मैन और इतना ओमेन एंड इतना चिल्ड्रेन, बतला रहा है कि इतना आदमी है पुरुष हो गया और इतनी महिलाएं हैं और इतने बच्चे हैं इन ए सिटी एक शहर में, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, तो यहाँ का जनसंख्या क्या है, तो इसका मतलब है कि इन सबको हमको प्लस कर देना होगा। तो आइए हम इसको प्लस करते हैं, इसको ठीक से लिखना होगा, और फाइव सेवन टू फाइव ये हो गया, अब इसको हम लोग करेंगे प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ पे नाइन थ्री ट्वेल्व और टू ट्वेल्व फोर्टीन फोर्टीन वन बच गया हाथ में, ये हो गया टेन और एट एटीन और वन नाइनटीन, अभी भी वन बचा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया एट नाइन सेवनटीन, यहाँ पे फिफ्टीन हो गया एट सेवन फिफ्टीन और नाइन, तो फिफ्टीन में हम फाइव मिलाएँ तो ट्वेंटी हो गया, और फोर बच गया ट्वेंटी फोर, तो अब यहाँ पे ट्वेंटी फोर और वन हाथ में बचा हुआ है तो ट्वेंटी फाइव, तो फाइव हो गया, अब हाथ में बच गया टू, तो यहाँ पे टेन हो गया और नाइन नाइनटीन और टू ट्वेंटी वन, वन हो गया हाथ में टू बचा हुआ है, नाइन टू एलेवन हो गया, एलेवन और टू ट्वेल्व थर्टीन, तो ये थर्टीन हो गया हाथ में वन बच गया, सेवन सेवन फोर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन फोर्टीन हो गया, तो यहाँ पे फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन हो गया, सेवन सेवन फोर्टीन और टू सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन और हाथ में बचा हुआ है वन सेवनटीन हो गया, और वन फिर बचा हुआ है फाइव थ्री एट एट और वन नाइन हाथ वाला मिला के, ये कंप्लीट हो गया। और ये क्या है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन ए सिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉपुलेशन पॉपुलेशन, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया, और ये पेज भी मेरा खत्म हो चुका है, तो हम दूसरा पेज लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फोर, और इसको हम लोग पढ़कर समझते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेंट रुपीज इतना और रुपीज इतना रेस्पेक्टिवली ऑन एजुकेशन इन थ्री स्टेट्स, सरकार ने तीन स्टेट के ऊपर इतना इतना और इतना लगातार इस तरह से जो दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम के अनुसार इतना पैसा एक एक स्टेट को दिया, तो हाउ मच टोटल मनी वाज स्पेंट इन दीज स्टेट्स, तो इन तीनों स्टेट्स पर सरकार ने कितने पैसे खर्च किए, तो इसका मतलब है कि इसको जोड़ना है। तो आइए हम लोग इसको ऐड करते हैं, थ्री सेवन सिक्स फोर
8, 7, 6 इसको करते हैं प्लस, तो 8, 7, 15 हो गया, 15 और 6, 21 1 हो गया, अब 2 बचा हुआ है, तो 9, 7, 16, 17, 18 8 हो गया, 1 बचा हुआ है, 9, 8 तो 17 हो गया, 17 और 1, 18 हो गया, अभी भी 1 बचा हुआ है, तो 4, 5, 9 हो गया और 1, 10 1 बचा हुआ है, 9, 6, 15 और 1, 16, 6 फिर 1 बचा हुआ है, 14 हो गया, 15, 16 और 1, 17 और अब 1 बचा हुआ है, तो 4 और 6, 10 हो गया और 1, 11 तो गवर्नमेंट ने इन तीनों स्टेट्स पे कितने पैसे खर्च किए, इतना, ये हो गया रुपया, क्योंकि यहाँ पे रुपया बोल रहा है, इतने रुपये खर्च किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, अब इसको पढ़ के देखते हैं क्या बतला रहा है। ये गोडाउन हैज इतना बैग्स ऑफ व्हीट, इतना बैग्स ऑफ राइस एंड इतना बैग्स ऑफ शुगर। एक गोडाउन है जहाँ पे इतना सारा बैग गेहूं का है और इतना सारा बैग राइस चावल का है और इतना बैग्स ऑफ शुगर मतलब चीनी का है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन, तो गोडाउन में टोटल कितने बैग्स है। बैग्स का मतलब होता है बोरे, मतलब इतना बोरा चावल है और व्हीट गेहूं है और चीनी है, बैग्स का यूज होता है बोरा के लिए। तो इसको हमको ऐड करना होगा, तब पता चलेगा कि गोडाउन में कितने टोटल बोरा है, कितने टोटल बैग्स है। तो आइए हमको हम लोग इसको ऐड करते हैं, 6028 और इसको हम लोग करेंगे प्लस, तो प्लस करते हैं, 5 और 2, 7 और 8, 7, 8, 15 हो गया, 5, 1 बचा हुआ है, तो 9, 1, 10 हो गया और ये 7, 17, 17 और 1, 18 अभी भी 1 बचा हुआ है, 9, 3, 12 हो गया, 12 और 7, 19 हो गया, 19 और 1, 20, 0 अब 2 बचा हुआ है, तो 9 और 8, 17, 17 और 5 तो 3, 20 और 2, 22 और 2 बचा हुआ है, 24, तो 4 हो गया, अब फिर 2 बचा हुआ है, तो 7, 3, 10 हो गया और 8, 18 और 2, 20, 0, 2 बचा हुआ हाथ में, 5, 2, 7 और 2, 7, 2, 9 हाथ में कुछ भी नहीं है, 6 और 1, 7 ये हो गया कंप्लीट। इतना बैग्स, टोटल बैग्स है, इतना बैग्स लिखेंगे, ये आंसर हो गया इसका। अब हम लोगों के पास एक्सरसाइज 8 का सिर्फ अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग पढ़कर समझते हैं पहले। नितिन बॉट 3 फ्लैट्स फॉर हिज सन्स, नितिन अपने बेटों के लिए 3 फ्लैट खरीदता है, द प्राइस ऑफ द फ्लैट्स वाज, और इन फ्लैट्स का कीमत है इतना, पहला फ्लैट का इतना कीमत है, दूसरा फ्लैट का इतना कीमत है और तीसरे फ्लैट का इतना कीमत है। ही पेड ए टोटल ऑफ रुपीज इतना फॉर द ब्रोकरेज ऑफ दीज फ्लैट्स, और ये तीनों फ्लैट खरीदने के लिए वो इतना पैसा जो है ब्रोकरेज मतलब दलाली के लिए, दलाली के रूप में लगा चुका था, इतना पैसा पहले खर्च किया और बाद में इन सारे फ्लैट्स का कीमत जो है वो भी चुकाया। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल फॉर द फ्लैट्स, तो फिर वो तीनों फ्लैट को मिला के और ये पैसा जो है ब्रोकरेज का, ये पैसा मिला के कितना पैसा खर्च किया, तो इसका मतलब है कि इन तीनों को हम लोगों को जोड़ देना होगा। तो आइए हम लोग जोड़ देते हैं इसको, 2, 5, 3, 0 इसको करेंगे हम लोग प्लस, तो हम लोग इसको प्लस करते हैं, 5 के 5 हो गया क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, 9, 1, 10 और 3, 13 हो गया, 13, 3 हो गया, 1 बच गया, अब 1 बगल में लिख कर रख सकते हैं, 1 बच गया, इससे गड़बड़ी नहीं होगा, 9, 2, 11 और 8, 11, 8, 20 हो गया, 19 हुआ, 11, 8, 19, 20 हो गया और 2, 22 और 1, 23 तो 3 हो गया, अब बच गया है 2, तो यहाँ पे 5, 6, 11, 11 और 8, 19, 19 और 2, 21 अब यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो फिर यहाँ पे 7 और 8, 15, 15 और 7, 22 हो गया, 22 और 2, 24, 24 का 4 हो गया, अभी भी 2 बचा हुआ है, तो 5, 9 हो गया, 14, 14 और 2, 15, 16, 16 और 5, 21, 21 और 2, 23 तो 3 अभी भी 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 3, 2, 5 और 4, 9 हो गया, 9 और 2 बचा हुआ है हाथ में, तो 9, 2, 11 ये हो गया 11, तो इतना रुपया फ्लैट खरीदने के लिए टोटल इतना रुपया खर्च हो गया, ये आंसर हो जाएगा। और एक्सरसाइज 8 यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिलता है
तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।